ओम शांति। आज 20 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली है याद की यात्रा। बाबा कहे तो मैं समय प्रति समय विभिन्न युक्तियां निकालनी है कि कैसे हम सहज से सहज इस याद की यात्रा पर रहे, क्योंकि बच्चे याद की यात्रा में ही भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहे बच्चे ये याद की यात्रा पर रहने की बहादुरी चाहिए। काम काज करते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय बाबा की याद कैसे रहे, यही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बाकी ज्ञान को समझना आसान है। 84 के चक्र को समझ लिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझ लिया, ये तो आसान है। मुश्किल है याद की यात्रा पर रहना। और बाबा कहे कि जब बच्चे बाबा को प्यार से याद करते हैं, अर्थात बाप का रिगार्ड रखते हैं, और जब कोई बच्चे ये कहते हैं कि बाबा हमें आपकी याद रहती नहीं है, भूल जाते हैं, या हमें फुर्सत नहीं है, तो ये बाप का डिसरिगार्ड है। इसलिए बाबा कहे कि बच्चे केवल भाषण करने वाले नहीं बनना है, लेकिन आत्मा को सतो प्रधान बनाना ये मुख्य बात है। उसके ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए और युक्ति निकालो कि कैसे हम निरंतर बाप की याद में रहे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। बाबा कहे याद की यात्रा पर रहना ये बहादुरी है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर है, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में ये बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते हैं, ये तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हैं। बाप को न याद करना ये जैसे खुद का ही डिसरिगार्ड करते। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं, लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। यह जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, यह तो एक नॉलेज है, जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारण करते आए हैं। यह तो बिल्कुल सहज है, ये कोई नई बात नहीं है। 84 के चक्र का ज्ञान ये कोई नई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं? ये ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही। बाबा के ज्ञान को समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। यह भी एक पढ़ाई है। रचना के आदि मध्य अंत को समझना है। सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं इस ज्ञान से भी उच्च बात है याद की यात्रा। महत्व की बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है, परंतु यह है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वह याद रहता है। अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं।
कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। यह वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। दोनों यात्रा का कॉन्ट्रास्ट बाबा बता रहे हैं कि उस यात्रा में जाते हैं लौट के वापस आ जाते, लेकिन इस यात्रा में हम जाकर मुक्ति धाम में निवास करते हैं। बल पार्ट में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है। यह तो छीछी रावण राज्य है। इस याद की यात्रा में सबसे मुख्य धारणा चाहिए बेहद के वैराग्य की। तो मूल बात है याद की यात्रा, बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये रावण राज्य छीछी राज्य है और तभी इस यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। कई बच्चे यह भी समझते नहीं कि कैसे याद करना है, कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं। यह देखने में तो कोई चीज नहीं आती है, अंदर की बात है, तो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता ही नहीं चलता है। बाप कहते हैं अपने को आत्म समझ, मुझ बाप को याद करना है। विधि है अपने को आत्म समझ, मुझ बाप को याद करना है। तो धारणा है बेहद की वैराग्य वृत्ति और विधि है आत्म समझ करके परमात्मा को याद करना। देखने की तो चीज नहीं, न मालूम पड़ सकता है यह उस अवस्था में कहां तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, ये तो खुद ही जाने। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं, कल्याणकारी बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? अपने को आत्म समझ, शिव बाबा को याद करो। भल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल बाबा देते हैं, पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है। सेवाएं बाप के याद की, और कुछ याद नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल दे बताते हैं उस याद की यात्रा में ही आए जाए। जैसे पादरी लोग जाते हैं, इतना साइलेंस में जाते हैं, तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। ये मंजिल बड़ी भारी है। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हमको वापस जाना है। वह तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। दुनिया के लोग समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है याद की यात्रा में कैसे रहना है, सिखलाया जाता है। जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। तीसरी बात चाहिए एकांत। जितना एकांत में रहेंगे तो बाप की याद सहज होगी। याद से प्राप्ति क्या है? याद से पाप कटते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं राम राज्य में भी पहले वह जाते हैं। याद से ही पाप कटते हैं, सतो प्रधान बनते हैं तो राम राज्य में भी पहले वह जाते हैं। तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। यहां तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दो, बाप को भी याद करो। कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है। चाहे दिन को चाहे रात को जो पहरा देते हैं उन्हों के लिए बहुत फायदा है। आज विशेष बाबा पहरे वाले बच्चों को याद कर रहे हैं। अगर यह याद रहने की आदत पड़ जाए तो
बाप ने यह सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद की यात्रा, पहरा और याद की यात्रा। यह भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। यह भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती है याद की यात्रा में रहने की। यहां तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। मधुबन में याद की यात्रा में रहना सहज होता है, इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहे, फिर एक जाए व दो तीन जाए, यह चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है, अभी तुम समझते हो। इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है, बाबा कहे बहादुरी तो विशेष इसमें है, जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में क्या याद रहे? बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। पाप कटते हैं, सतो प्रधान बनते हैं और कमाई भी बहुत है। भला भी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है, बाप कहते रहते हैं चार्ट रखो, थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं। बाप युक्तियां तो बहुत बताते हैं, बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहां बहुत कमाई कर सकते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, मुझे याद करो तो पाप कट जाए, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघ्न पड़ते हैं, कहते बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाप कहते बच्चे तुम याद की यात्रा में रह, जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वो बोझा उतारो। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। याद तो कहां भी बैठ कर सकते हो, कहां भी रहते ये प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, बल माना ताकत शक्ति। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वह शक्ति बाप से कैसे मिलेगी। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, तो वह शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, पाई की भी नहीं रही है, पाई की भी शक्ति नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, तो अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, विनाश सामने खड़ा है। बाप युक्तियां तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं। हमारा काम है क्या? काम है हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना, दोस्त हो या कोई भी हो।
सर्विस का शौक चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो है। कौन सा चित्र है? बैज भी है। ये बड़ी अच्छी चीज है। बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। इनके ऊपर शिव है। वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को न जानने कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं, पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ। फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं। कितनी पाए पैसे की भूल है, बाप बैठ समझाते हैं, तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, कितना उनके पास सामान रहता है। सर्कस में इतना सामान रहता है, गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम भी ऐसे खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाए, फिर औरों को जाकर सुनाए। यह भी समझाते हैं, जो कुछ सर्विस होती है कल्प पहले मिसल होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का ओना बहुत रखना है। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। माया विघ्न भी इस याद की यात्रा में ही डालती है। अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं। ज्ञान तो कॉमन बात है, बाप बिगर 84 का चक्र कोई समझा न सके। बाकी याद की यात्रा है मुख्य। पिछाड़ी में कोई भी याद न आए सिवाय एक बाप के। ऐसी अवस्था हो जाए अभ्यास करते करते, जो पिछाड़ी में और कोई भी याद न आए सिवाय एक बाप के। डायरेक्शन तो बाप पूरा देते रहते हैं, मुख्य बात है याद करने की। सारी मुरली बाबा की याद के ऊपर। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो, तुम सिर्फ बैज पर समझाओ। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं, राय साहब का मेडल। सब देखेंगे इनको वायसराय से टाइटल मिला है। आगे वायसराय होते थे, अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े हैं। बाबा कहे कितने झगड़े लगे पड़े हैं, मनुष्य बहुत हो गए हैं। तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इतने सब खलास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे। जमीन ढेर होंगी, सतयुग में तो जमीन ढेर होंगी, वहां तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए क्या करना चाहिए? उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत ऊंच पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे। फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकालते रहते हैं। मनुष्य बहुत दुखी है। बाबा को कितना रहम आता है, मनुष्य बहुत दुखी है। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं रहेगा। बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है, बल लेटे हुए याद करो। कोई को फिर नींद आ जाती है, बूढ़ा होगा जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो जरूर सो जाएगा।
लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेंगी, क्योंकि बहुत बहुत कमाई है। यह तो समझते हैं टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं है। तो बाप समझाते हैं, मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, यहां आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है। मधुबन में ही याद की यात्रा पर रहने का चांस मिलता है, कोई फिक्रात की बात नहीं। इसलिए यहां चार्ट बढ़ाते रहो, तुम्हारे कैरेक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे। परंतु माया बड़ी दुस्तर है, घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को है। फिर भी इस समय गोपो की रिजल्ट अच्छी है, बाबा कहे फिर भी गोपो की रिजल्ट अच्छी है। कई बच्चियां लिखती है शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें। तो बाबा क्या कहते हैं, जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होगी वो कभी ऐसे लिखेंगी नहीं, लिखती है तो बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी है, कमजोर है। यह तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है। अब बाबा तो सहज बताते हैं, तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर साहेब जादे बने हो। बाप कितना उच्च बनाते हैं फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो, इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे। बाबा ने इतना सहन किया है, कहते हैं ना जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, शास्त्रों में तो कहानियां लिख दी है। बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं, कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मजा आएगा, परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं ये फेल हो जाएंगे, बाप भी समझते हैं ये फेल हो जाएंगे। सो भी कल्प कल्पांतर के लिए, फेल भी जो होंगे कल्प कल्पांतर के लिए। भल भाषण में तो बहुत होशियार है, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। यह भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, अपना ही करते हैं। शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं, ऐसे कोई कह ना सके कि हमको फुर्सत ही नहीं है याद करने की, बाबा मानेंगे नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हो, भोजन करते समय बाप को याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी है, योग है नहीं, वह अहंकार भी गिरा देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है, याद के भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट, सतो प्रधान बनने का ओना रखना है, गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सब कुछ बाप हवाले कर कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव।
सब कुछ बाप हवाले कर कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। ये तन भी मेरा नहीं तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या। आप सबका वायदा ही है तन भी तेरा मन भी तेरा धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का। इसीलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। आज का स्लोगन है रूहानियत से रोग को समाप्त करो। रूहानियत से रोग को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव है। रूहानियत से रोग को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव है। पांडव ऊंचे पहाड़ों पर जाकर गल मरे अर्थात ऊंची स्थिति में जब स्थित हो जाते हैं रूहानियत वाली स्थिति में तो शरीर के भान से गल जाते हैं। ओम शांति।